नमस्कार सुराना जी। तो आज हमारे को क्या दिखाने लेके आए हैं कन्हैया गौशाला में? मिश्रा जी, यहाँ पे कन्हैया गौशाला में हम लोग खाद भी बनाते हैं। अच्छा। जो अपने गौ माता का जो गोबर और गौमूत्र है उससे खाद बनती है यहाँ पे। और बहुत जैसे आपने देखा, ये हमारा खाद विभाग है। तो यहाँ पे खाद विभाग में हम दो प्रकार की खाद बनाते हैं। अच्छा। एक का नाम कंपोस्ट है, दूसरे का नाम वर्मी कंपोस्ट है। अच्छा। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दोनों तरह चलिए देखते हैं। ये इनका खाद विभाग है पूरा। तो अभी हम लोग पूरी जानकारी के साथ में आपको बताएंगे। आप यही खाद विभाग में काम करते हैं कन्हैया गौशाला के? तो आप लोग का ही शुभ नाम है सर? व्यास चौहान। व्यास चौहान जी सर। तो खाद कैसे बनाई जाती है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखें, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले जो ढेर लगी हुई है, और ढेर को हम पानी भिजोते हैं। अच्छा, वो सामने ढेर लगा हुआ है, वो भिजोते हैं। अच्छा। भिजोने बाद में फिर हौदी में डालते हैं हम। अच्छा, ये जो हौदियाँ बनी हुई है, ये कितने दिन तक वहाँ पे पड़ा रहता है और कितने दिन यहाँ पे रहता है? वो तो एक ही महीना पड़ा रहेगा, 15 दिन पड़ा रहेगा। कच्ची खाद हो तो उठा कर भिजो के यहाँ डालेंगे। अच्छा, भिजो के 15-20 दिन रहता है वो? हाँ, हौदी में डालते हैं 6 महीना 7 महीना एकदम पक। अच्छा, ये 6-6 महीने रखते हैं यहाँ पे? हाँ, 6-6 महीने 7-7 महीना रहते हैं। ये सब हौदियाँ बनी है, इसमें लगभग 6-8 महीने रहता है। उसके बाद का क्या प्रोसेस है अपने इधर? फिर उसके बाद हम इसको हाथ से फावड़ी निकाल के ले जाते हैं अंदर। अच्छा। अंदर ले जा के फिर ट्रैक्टर घुमाते हैं। ट्रैक्टर घुमाने के बाद उसे माचा छनाई करते हैं। बताइए, देखिए कहाँ अभी हो रहा है? छनाई हो रही है, वो देखिए। चलिए बताइए, देखते हैं। ये लोग छान रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ये हो गया, एकदम तैयार ढेरी बनी हुई है। तैयार है मतलब फर्टिलाइजर, और ये पैक करने के लिए है। पूरा पैक कर दिया है मतलब बोरियों में। अब इसकी सिलाई की जाती है? अच्छा, बढ़िया बढ़िया है। इसका क्या नाम बताया? जैविक कंपोस्ट। अच्छा, जैविक कंपोस्ट। काम देनो जैविक कंपोस्ट लिखा हुआ ना सब। हाँ। और दूसरा और भी तरह की खाद बनाते हैं अपन? हाँ, दूसरा एक ये है केचुआ खाद, कच्ची खाद है। अच्छा, केचुआ खाद मतलब ये अभी कच्ची है? अभी कच्ची है, इसको हम ट्रैक्टर घुमाएंगे। अच्छा। ट्रैक्टर घुमाने के बाद में छनाई। ट्रैक्टर घुमाने का क्या मतलब है, इसके ऊपर चढ़ाते हैं? हाँ, क्या घुमाते हैं मतलब बारीक कर दें। बारीक कर देते हैं। बारीक करने के बाद फिर केचुआ खाद में डाले हौदी में। अच्छा। फिर उधर कहाँ, उधर और हौदी है? हाँ, 2.5-3 महीना पानी देते रहेंगे। हाँ हाँ, क्या ये और नई, इधर एक उधर बाहर हौदी देखी थी और एक ये अंदर वाली हौदी है। ये केचुआ जैविक कंपोस्ट है, केचुआ से। इसमें ये बता रहे हैं चौहान जी कि यहाँ पे केचुआ है। ये देखो, ये इन्होंने हाथ में निकाल के भी बताया है। ये देखिए, ये सब इसमें से निकल रहे हैं। ये देखिए, ये 2.5-3 महीना प्रोसेस है इनका। अच्छा, 3 महीने लगभग लगता है। हाँ, 3 महीना लगता है सर। ये क्या, ये केचुआ जो है क्या, ये मतलब इसको खाद को और ज्यादा पोला कर देंगे, बारीक कर देंगे, खाना बारीक कर देते हैं। इससे क्या फर्टिलिटी बढ़ जाती है? हाँ, मतलब इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। सुपर फास्ट नाइट्रोजन इनका आता है, तो डबल ताकत इनको मानते हैं। अच्छा, डबल ताकत हो जाती है मतलब नॉर्मल खाद से? नॉर्मल खाद से। अच्छा, ये जीवित रहते हैं? हाँ, ये तो केचुआ जीवित रहे, मिट्टी में ही है ना, मिट्टी के जीव है, इसलिए वो तो मिट्टी में इसको खाद से टालते हैं इनको। ये क्या खाद को बारीक करते हैं? मतलब हम इनको चुगाई करते हैं। तो डर लगता है, साथ में भी नहीं ले? नहीं, हम लोग तो नहीं ले सकते हाथ में। आप लोग वाकई में सही है। नहीं, ये क्या मतलब पैकिंग में भी ये भी साथ में ही जाते हैं क्या? पैकिंग देंगे तो फिर हमारा खाद कौन बनाएगा? अच्छा अच्छा, पैकिंग में इसको हटा लेते हैं। हाँ, एक एक हाथ से चुप, तो फिर उठाते हैं क्या? हाथ से चुपते हैं? चुपते हैं एक एक। हाँ, बहुत टाइम लगता है। अरे, ये तो बहुत मेहनत का काम है, महीने का। अरे, एक दिन में बहुत बनेगा, 10-15 कट्टा बन पाता है। इससे ज्यादा बहुत मेहनत का काम है। मिट्टी में से क्यों सुराना जी,
हाँ आप सही कह रहे हैं, ये लोग काफी बहुत मेहनत करते हैं। मैं 27 साल हो गया काम, इनको यहाँ 27 साल हो गए काम करते हुए। और पूरी जो खाद बनाने की प्रक्रिया है, इसमें कैसे कैचुओं को पालना है, इनकी सेवा करनी है, और खाद बनने के बाद इनको वापस कैसे निकाल के अपने बैग में रखना है, ये इसका पूरी प्रक्रिया करते हैं। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया है। नहीं है, मेहनत का काम तो है। एक-एक चुगली भी चली गई साथ में तो ऐसे आँख दुखने लग जाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको भी बहुत आश्चर्य हो रहा है क्यों? बहुत आश्चर्य हो रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने ये कभी ऐसा देखा नहीं। हमने भी देखा कि हमने तो सुना ही है केचुआ खाद, तो जरूर सुना है, लेकिन इतना मेहनत का होता है, मतलब मेहनत होती है। किसान सोचा केचुए की खाद कैसे बनती है, किसान लोग इतने मेहनत करते हैं, उनको इतना फल नहीं दिया जाता। हाँ हाँ, नहीं सही, फल नहीं मिलता है बिल्कुल। मजदूर समझने वाले नहीं, ये यहाँ पे भी बने हुए हैं ये पौधे। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी होती बनी हुई है, ये सारे केचुए प्लांट हैं। अच्छा, ये सब केचुए वाली है? हाँ, बहुत सारे हैं, सब में केचुआ है, ऐसा कोई नहीं है कि बगैर केचुआ कोई भी है। तो ये अपने आप बिल्कुल जैसे बनती और तुरंत चली जाती है, कोई स्टॉक नहीं रहता है अपने पास में, निकल जाता है, निकलता रहता है तुरंत मार्केट से, निकलता है उसी हिसाब से हम यहाँ बना के रखते हैं। मतलब बिकने में कोई कमी नहीं, मतलब नहीं है तकलीफ, तुरंत बिकती रहती है, मतलब मार्केटिंग, मार्केट में डिमांड अच्छी है इसकी। जी जी, बाहर जाते हैं, क्योंकि जैविक है ना, जैविक है इसलिए कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, केमिकल नहीं, गौमूत्र वगैरह, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल इसलिए पत्ता वगैरह डाल देते हैं। हाँ हाँ, गाय का गौमूत्र है पड़ा है, देख लीजिए, गौमूत्र देते हैं, या गौमूत्र अलग से स्टॉक किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, खाद में डालने के लिए गौमूत्र भी स्टोर करके रखते हैं यहाँ पे। ये देखिए गौमूत्र, ये खाद में डालने के लिए है, ये स्टोर करके रखते हैं ये डिब्बों में, जैसे जैसे जरूरत होती है, जैसे हमारा छनाई होता है, और वैसे ही इसमें भरने के समय में हम डाल देते हैं। हम्म, छनाई हो रही है वहाँ हम डाल देंगे। बहुत बढ़िया, 4 टन में 100 किलो, 100 किलो 4 टन में, 4 टन में 100 किलो गौमूत्र डाल दें। बढ़िया भंडारी जी, अभी हम लोग आपका गौशाला का खाद विभाग देख के आए हैं, तो बहुत ही हमें इम्प्रेसिव लगा जैसा कितना मेहनत करते हैं वो लोग। तो आप थोड़े दो शब्द अपने खाद विभाग के ऊपर कहेंगे तो बहुत अच्छा रहा लगेगा दर्शकों को भी। तो ये जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद, ये दो तरह की खाद है जो गाय के गोबर से और जीवों से पैदा होता है। जैविक खाद का है जिनमें पौधे में फल नहीं आते हैं, फूल नहीं आते हैं, उनके लिए रामबाण है। दूसरा ये पर्यावरण विद है, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है आपका दूसरा है, दूसरी जो अंग्रेजी खाद है वो नुकसानदायक है। तो यहाँ हम लोग 100 प्रतिदिन 5,000 किलो खाद बनाते हैं, जिसमें 1,000 किलो तो वर्मी कंपोस्ट बनती है और 4,000 किलो कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट तो रात को बनती है, सुबह खत्म हो जाती है। अच्छा, इतना मतलब डिमांड है, बहुत मतलब डिमांड है, गुजरात तक जाती है। अच्छा, आप हमारे यहाँ से गुजरात तक भी जाती है? गुजरात तक जा रही है। अच्छा, और खाद का बहुत इसकी वैल्यू है, और जो आप अगर लॉन में भी लगाएंगे तो लॉन के अंदर भी उसका जो है रंग हरा वो अलग तरह का, अलग तरह का आएगा। तो जैविक खाद रामबाण है, बिल्कुल बिल्कुल, अनाज के लिए। वो तो है, केमिकल खाद तो क्या हमारे पूरे जमीन को खराब कर देती है। नहीं, केमिकल खराब भी कर देती है, और वो है सो स्वास्थ्य वर्धक भी नहीं है, स्वास्थ्य वर्धक भी नहीं है। इसका गेहूं है 40 रुपए किलो बिकता है, बिल्कुल, वो बिकता है 22 रुपए 25। सही 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 बात है एकदम। क्योंकि मेहनत तो दिख रही है, इसलिए मेहनत और समय भी लगता है उसको। अपन जो साइकिल है वो देख रहे हैं कि लगभग 7 से 8 महीने साइकिल है उसका बनाने का, तो ऑब्वियसली कॉस्टली तो पड़ेगी ही, लेकिन जितना कॉस्ट है उससे ज़्यादा मेरे को लगता है रिटर्न मिलता है। मतलब उसका स्वास्थ्य के हिसाब से देखें अपन, जिसका मूल्य नहीं है बेसिकली। आपके काजरी आफरी सब इस पर रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, वो अपने यहाँ जितनी खाद कर रहे हैं, जितने पौधे बड़ा कर रहे हैं, सब यहाँ से खाद ले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भंडारी जी।